हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कर्नल में और सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आइए समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेल, तो यहाँ पर हम सेल के डिफरेंसेस की और कर्नल की बात करेंगे। तो देखिए, सेल अलाउज द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कर्नल, यानी कि सेल जो है अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए कर्नल से। ठीक है, पहला तो डिफरेंस हो गया, सेल का ये मतलब हो गया। ठीक है, और ये जो कर्नल होता है ये कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम के टास्क को, मीन्स कि एक तरह से कह लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी काम होते हैं वो सारे कर्नल ही करता है। ठीक है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट हुआ, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हुआ, ये सारे काम कर्नल करता है। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है, सेल इज द इंटरफेस बिटवीन कर्नल एंड यूजर। तो सेल जो है कर्नल और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस यानी कि इनकी बात उनको बताता है और उनकी बात इनको बताता है। ठीक है, यानी कि कहने का यह मतलब है कि इंटरफेस का काम करता है। जैसे एक आदमी को अगर हिंदी आती हो और दूसरे को इंग्लिश आती हो और जो बीच में आदमी खड़ा है उसको दोनों लैंग्वेजेस आती हो, तो वो दोनों ही की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने में इंटरफेस का काम करता है, ये होता है इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ये मेन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सबसे ज्यादा मेन हिस्सा होता है कर्नल। ठीक है, इसके बाद इट इज द कमांड लाइन इंटरफेस, जो सेल होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करता है। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस पर ये काम करेगा, तो आप केवल लिख करके और चीजों को इनपुट दे पाएंगे या कुछ भी इस तरह के कमांड के भरोसे ये चलेगा, कहने का ये मतलब है। और ये जो है लो लेवल प्रोग्राम होता है, लो लेवल प्रोग्राम यानी मशीन वाले प्रोग्राम होती है कर्नल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द आउटर लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारी लेयर्स होती हैं और इसकी जो मोस्ट आउटर लेयर होती है वो होती है सेल। ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं कि कर्नल कौन सी लेयर होती है, तो कर्नल इनर लेयर होती है सेल की। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।